दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 8 में बजरंग दल के कार्यकर्ता की कथित तौर पर सट्टेबाजों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। बीती रात को सट्टा संचारक लोगों से सट्टा लगवा रहा था, तभी युवक वहां पहुंचकर इसका विरोध करने लगा, जिसके बाद सट्टा संचालक ने युवक के सीने में गोली मार दी। इसके बाद युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी। मेरा नाम ब्रिजमोहन है और नोएडा सेक्टर 8C96 के सामने जो वारदात हुई है, आज हमारे एक भाई एक दोस्त थे वो, और उनकी कुछ लोगों ने हत्या कर दी। हमें गोली की आवाज़ कुछ ऐसा लगा कि कुछ आवाज़ आई है घर के बाहर, और हमें ऐसा लगा कि जैसे बुलेट बुलेट की आवाज़ें होती है, पटाखे छूटते हैं। जब पता चला कि गोली लग गई है, गोली मार दी, जब हल्ला हुआ गली में, तो हम गली से जब अपने घर से भाग के गए तो देखा तो हमारा साथी हमारा भाई पड़ा हुआ था। ये सेक्टर 20 थाने में जो है, अभी लगभग 2 घंटे पहले 9 बजे के लगभग में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई थी, जिसका हॉस्पिटल में जाने पर जिसकी डेथ हो गई है। इस संबंध में अब परिवार वालों के द्वारा तहरीर दे दी गई है, जिसमें उन्होंने 6 लोगों को नामजद किया है और 2 अज्ञात के विरुद्ध हत्या करना बताया गया है। पुलिस टीमें रवाना हो गई हैं, शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि गोली मारने वाला आरोपी फरार हो गया है। घटना के विरोध में लोगों ने अस्पताल में और थाने जाकर जमकर हंगामा किया। बहरहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी शुरू कर दी है। दिल्ली से अनिल चौधरी के साथ प्रियंका की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।